हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पहुंच चुके हैं काठीटाड़ वाला साइट पे। तो देख सकते हैं, ये हम लोग काठीटाड़ साइट का जो आउटडोर है ये आ चुका है। 18 एचपी का 3 आउटडोर है, ये यहाँ 2 है, ये है, ठीक है, तीनों 18 एचपी का है। तो आप लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है आप लोग को ये देख के कि ये जो आउटडोर है, देख सकते हैं ये किस जगह पे चढ़ेगा, कितना ऊंचाई में ये रहेगा, आप लोग अभी दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो आउटडोर है वो एकदम वहाँ पे चढ़ेगा, उस जगह पे, एकदम ऊपर वाले पीक पॉइंट पे। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि वो कैसे चढ़ेगा इतना ऊपर, इतना भारी भरकम आउटडोर। कम से कम हमको लगता है ये 200-300 टन का एक आउटडोर रहता है, वो अभी इतना नीचे से लेके उसको इतना ऊपर वहाँ तक उसको चढ़ाना है। तो हमने चैन पुली वाले भैया लोग को बुला लिया है, हम लोग अपना जुगाड़ लगा रहे हैं, ठीक है। ये आउटडोर हम लोग का 2 दिन पहले आ चुका था, इस साइड पे परसों ही आ चुका था, तो अभी इसको वहाँ एकदम ऊपर चढ़ाना है। तो देखिए किस तरह से इन लोग चढ़ाता है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब बने रहिए इस वीडियो में, एक एक करके आपको सब दिखाएंगे किस तरह से आउटडोर चढ़ता है ऊपर। देखिए कितना भारी रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 इतना आदमी मिल के इसको खींच रहा है, बहुत ज़्यादा वजन रहता है इसका, बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों ने भी आइडिया लगाया है कि तीनों आउटडोर को उस गाड़ी में रखेंगे, पिकअप में, ये दोनों को और इसको, और फिर वहाँ तक ले जाएंगे, वो जहाँ पे भी आपको एरिया दिखाएं वहाँ तक ले जाएंगे गाड़ी में, ठीक है। और फिर वहाँ से फिर हाथ से, मतलब कि खुद से उठा के, और जहाँ से उठाएंगे उन लोग वहाँ तक ले जाएंगे। देखिए आप लोग एक करके सब पता चलेगा। अभी हमारा गाड़ी पे चढ़ चुका है, अब ये दूसरा चढ़ने की तैयारी है, ठीक है। दूसरा के बाद वहाँ एक और रखा हुआ है तीसरा, तो देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते होंगे ये कितना भारी मशीन होता है, 10-15 आदमी मिल के नहीं उठा पा रहे हैं।
देखिए अभी भैया लोग ऊपर में अपना जुगाड़ बना रहे हैं, ठीक है, ऊपर चढ़ाने के लिए मशीन को। तो हम लोग का जो लोकेशन है वो ये पाइपिंग है ना, तो इस जगह पे हमारा तीनों मशीन सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है, इस जगह पे तीनों मशीन सीक्वेंस में रहेगा। तो हम लोग को ये भी देखना पड़ता है कि सनराइज़ किधर से होता है, सन उगता किधर से है, डूबता किधर है, तो उसके हिसाब से हम लोग को आउटडोर रखना पड़ता है, क्योंकि जो आउटडोर का जो कंडेंसर कॉइल होता है वो हम लोग को सूरज की तरफ कोशिश करना चाहिए कि नहीं रखें, उसके अपोजिट साइड में रखें, अपोजिट डायरेक्शन में रखें। उससे क्या होगा कि कंडेंसर में जो सूरज का रोशनी है गर्मी के टाइम में वो कम पड़ेगा और हीट को ज़्यादा रिलीज़ कर पाएगा एटमोसफेयर में, ठीक है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कूलिंग में। तो ये सब तो बात की बात है। तो अभी हम लोग जो जैसे कि सूरज उधर से उग रहा है तो हम लोग कंडेंसर को इस साइड रखेंगे इस तरफ, और फ्रंट इस साइड रहेगा हम लोग का, ठीक है, ये सीक्वेंस में इस तरह से फ्रंट रहेगा और हम लोग का जो पैनल होगा खोलने वाला वो इस तरफ रहेगा रेलिंग की साइड में, अपोजिट साइड में, जिधर से सूरज उगता है उसके अपोजिट साइड में हम लोग का पैनल रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो सूरज का धूप है, गर्मी है, वो डायरेक्ट नहीं पड़ेगा कंडेंसर कॉइल में, तो उससे हम लोग को बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा कूलिंग में। तो सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है आउटडोर रखते समय, खासकर VRF का आउटडोर रखते समय, ठीक है। तो देखिए आप कितना नीचे है, यहाँ से पूरा आउटडोर अभी उठा के इस जगह पर रखना है। तो भैया लोग पूरा अपना व्यवस्था टाइट कर रहे हैं, पूरा जुगाड़ बना रहे हैं इधर से, ये उन लोग का कुछ है, इधर से रस्सी गया पूरा, रस्सी आप देख सकते हैं कितना मजबूत रस्सी है, एकदम मोटा चौड़ा वाला। चारों तरफ से कर रहे हैं ताकि ये गिरे ना आउटडोर, क्योंकि बहुत भारी होता है, 18 HP का आउटडोर है, बहुत हैवी मशीन है। चारों तरफ से भैया लोग पूरा एकदम लोहा वाला रस्सी केबल से पूरा चारों तरफ से बांध रहे हैं, देखिए इधर से भी बांध रहे हैं, किसी तरह का रिक्स ना हो, आउटडोर गिरे ना नीचे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से चेन पुली के मदद से आउटडोर चढ़ता है ऊपर। अभी देखिए वहाँ तीन आउटडोर आ चुका है, तीनों का भी ऊपर चढ़ाना है। चलिए नीचे से देखते हैं कितना ऊपर है। तो देखिए इनका पूरा सिस्टम जो है सेट हो चुका है, ऊपर देख सकते हैं चैन पुली पूरा लग गया है, सेट हो गया है जो भी सेट करना था। अब आउटडोर ऊपर चढ़ाने की बारी है, तो पहले पूरा बढ़िया से टाइट किया जाता है, बांधा जाता है, इतना मोटा सिक्कड़ देख सकते हैं। चारों तरफ से बढ़िया से बांधा जाता है, पूरा टाइट किया जाता है ताकि ये इतना ऊंचा हो, ये उठ सके। अभी चाचा लोग बांध रहे हैं अब सेफ से, ताकि जो हमारा आउटडोर यूनिट है उसमें कुछ इफेक्ट ना पड़े, बेंड वेंड ना हो, तो सेफली अच्छे से टाइट करके बांधते हैं। दिखाएंगे किस तरह से ऊपर उठता है, और ऊपर चढ़ के भी दिखाएंगे कि वो लोग किस तरह से खींचते हैं, और ये धीरे 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 ऊपर उठता है। तो देखिए ये उठना चालू हो गया है अच्छे से, भैया लोग पूरा टाइट कर दिए हैं, बांध दिए हैं, तो ऊपर उठ रहा है। ये दो रस्सी को बांध के इधर खींच के रखे हैं ताकि ये दीवार से टकराए ना, दीवार से गैप में रहे, अगर नहीं बांधेंगे इसको नहीं खींचेंगे तो दीवार से टकराएगा और हमारा जो यूनिट है उसमें स्क्रैच आ जाएगा।
स्क्रैच आ जाएगा, कुछ पार्ट्स टूट फूट भी सकता है। देखिए फाइनली हमारा ये नीचे से इतना ऊपर तक उठ चुका है, मतलब एक आउटर चढ़ाने में लगभग एक घंटा लग जाता है, 45 मिनट से एक घंटा एक आउटर चढ़ाने में लग जाता है। तो देखिए ऊपर जाके दिखाते हैं किस तरह से भैया लोग खींचते हैं, ठीक है, किस तरह से ऊपर आता है एकदम धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर जाता है। चलिए चलते हैं ऊपर चढ़ के दिखाते हैं ऊपर से क्या हो रहा है, ठीक है। नीचे से तो आप लोगों ने देख लिया, ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। देखिए इस तरह से खींचा जाता है और हमारा जो आउटडोर यूनिट है धीरे धीरे ऊपर आता है। चेन पुल इसको भैया लोग कंटिन्यूसली खींचते रहते हैं और हमारा आउटडोर यूनिट एकदम स्लोली स्लोली ऊपर आता है। अभी दिखाते हैं कितना दूर तक पहुंचा है इतना देर में, मेहनत काफ़ी लगता है दोस्तों। यहाँ तक आया हमारा आउटडोर यूनिट नीचे से यहाँ तक पहुँच चुका है, ये धीरे धीरे चैन पुली है। देखिए यहाँ सब कंटिन्यू, मतलब एक थकता है तो दूसरा खींचता है, दूसरा थकता है तो तीसरा खींचता है। एक आउटडोर यूनिट में 1, 2, 3, 4, 5 भैया लोग एक आउटडोर यूनिट, 3 आउटडोर यूनिट चढ़ाने में इतना खींचते हैं, हाथ दर्द देने लगता है खींचते। देख सकते कितना मेहनत का काम है। देखिए ऊपर आ गया हमारा आउटडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट हमारा नीचे आ गया, मतलब नीचे था ऊपर आ गया। अब इसको जगह पर रखेंगे, तो जब भी हम लोग आउटडोर यूनिट रखते हैं अगर सीक्वेंस में 2-4 आउटडोर यूनिट अगर लाइन बाय लाइन रखना हो तो हम लोग 2 आउटडोर यूनिट के बीच में 1-1.5 फीट का गैप रखते हैं, और अगर साइड में अगर वाल आ रहा हो, दीवार आ रहा हो, तो वहाँ से भी हम लोग 2 फीट, कम से कम 2 फीट का गैप रखेंगे। ये वाल से आउटडोर यूनिट के बीच 2 फीट का गैप होना चाहिए ताकि हीट का ट्रांसमिशन अच्छे से हो। और जो हमारा पैनल बोर्ड की तरफ साइड है, जैसे कि हमारा पैनल बोर्ड है, यहाँ से सारा हम लोग कमीशनिंग करेंगे, पाइपिंग करेंगे, तो इधर गैप ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि आदमी टेक्नीशियन जो है हमारे वो घुस के वहाँ पर काम कर सकें। तो इसका 2.5 से 3 फीट कम से कम होना चाहिए ताकि काम करने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। यह हमारा फ्रंट साइड है, इसको इधर फ्रंट साइड इसलिए रखें क्योंकि जो हमारा इस तरह इस साइड से सूरज उगता है और उस साइड में डूबता है, तो हमारा कंडेंसर अगर इधर रखते हैं तो कंडेंसेशन ठीक से नहीं हो पाता, उसमें सूरज का रोशनी दिन भर पड़ता तो कंडेंसेशन ठीक से नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग उसका अपोजिट डायरेक्शन में कंडेंसर सबको रखे हैं, कंडेंसेशन अच्छे से।
इसी तरह दो आ गया है और एक उठाना है, तो उठा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो हमारा तीनों आउटडोर ऊपर आ चुका है, ठीक है, एकदम सेफली, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ आउटडोर चढ़ाने में। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से आउटडोर को चढ़ाया जाता है, भारी भरकम आउटडोर को इतना ऊपर, सारा प्रोसेस आपको दिखाया। ठीक है गाइस, हम चलते हैं ऑफिस की ओर, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।